देवेंद्र फडनवीस जी टू ए पीपुल भारत माता की जरा जोरों से आसाम की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 मंच पर उपस्थित हमारी इस चुनाव के लिए जिनको इंचार्ज बनाया गया है ऐसे अरविंद यादव जी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जयंता मला बरुआ जी हमारे विधायक अशोक शर्मा जी मोनिश सिंह जी रूपम गोस्वामी जी प्रणब लखर जी नितुल डेका जी दुर्गांगो तालुकदार जी मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पर हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर प्यार करने वाले विश्वास रखने वाले सभी बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले मां कामाख्या की भूमि श्रीमंत शंकरदेव देव की भूमि इस आसाम की भूमि को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं हम सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है कुछ लोगों को यह लगता है कि इस चुनाव में सर्वानंद सोनवाल जी की भाग्य का फैसला होगा या हेमंतोदा के भाग्य का फैसला होगा कुछ को लगता है कि इस चुनाव में जयंता जी के भाग्य का फैसला होगा कुछ को लगता है बीजेपी या कांग्रेस के भाग्य का फैसला होगा लेकिन ये इनके भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है यह चुनाव असम और भारत के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है ये नॉर्थ ईस्ट के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है क्योंकि हम एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां पांच साल तक इस असम में हमारे मुख्यमंत्री ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार दी है जिस सरकार ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा असम को समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश की एक सुरक्षित राज्य तैयार हो एक सुरक्षित देश तैयार हो इसके लिए पूरे पांच साल उन्होंने काम किया और अब फिर एक बार जब हम चुनाव के लिए सामने जा रहे हैं तो हमें नजर आता है एक और राष्ट्रवादी ताकतें साथ में आकर देश के हित में और असम के हित में काम करने की कोशिश कर रही है वही कुछ ऐसी ताकतें भी यहां पर है जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ के माध्यम से इस देश को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर असम को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है इसलिए मामूली चुनाव नहीं है इस चुनाव में एक और हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हमारी सभ्यता जो श्रीमंत शंकर देव इन्होंने हमको दिए हुए विचार है इस विचार को साथ में लेकर राष्ट्रवाद के साथ भारत माता की जय कहते हुए असम की जय कहते हुए आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है और वही असम में घुसपैठियों को हम कैसे भी प्रवेश देंगे किसी के पास कागज हो न हो हम असम में आने देंगे मानो असम ये कोई राज्य नहीं है ये केवल एक धर्मशाला है कोई भी आओ कोई भी चले जाओ इस प्रकार की मानसिकता वाली ये कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ की ये जो यहां पर अलायंस तैयार हुई है दोस्तों ये लड़ाई ये मामूली लड़ाई नहीं है ये अस्तित्व की लड़ाई है ये अस्मिता की लड़ाई है आप विचार कीजिए अस्सी के दशक में असम ने एक लड़ाई लड़ी घुसपैठियों के खिलाफ जो हमारे यहां घुसते थे हमारा रोजगार छीनते थे हम पर अत्याचार करते थे और उनके खिसाब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उस समय भी उस लड़ाई में लड़ने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी उस समय भी असम के लिए जो लड़ते थे उनको मारने वाली कांग्रेस पार्टी थी उस समय भी उन पर दंडा चलाने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी उस समय भी उन पर गोली चलाने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी और आज फिर एक बार वही ताकतें सिर उठाने की कोशिश कर रही है वही ताकतें कह रही है कि हम असम में घुसेंगे असम के आम आदमी के रोजगार को छीनेंगे असम के अमन चैन को हम बर्बाद करेंगे असम में माता की पूजा नहीं होगी असम में जुलूस नहीं निकलेगा असम में हम कोई हमारी बात को नहीं कह पाएंगे इस प्रकार की मानसिकता लेकर ये सारे के सारे लोग फिर एक बार अपना सिर उठा रहे हैं और हम तो पहले भी कहते थे ये जो बदरुद्दीन अजमल है इनकी जो ए आई है इसमें और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है ये तो एक ही सिक्के की दो पहलू है ऐसा हम पहले भी कहते थे लेकिन एक बात पक्की है उस समय की कांग्रेस में ये हिम्मत नहीं थी कि वो सीधे सीधे इस पार्टी को साथ में ले ले जो देश हित की बात नहीं करती हम जानते हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई जी इन्होंने सवाल किया था भद्रुद्दीन कौन है क्योंकि उस समय वो जानते थे कि भले ही राजनीति कुछ भी रहे लेकिन इनको साथ में लेना ये देश के हित में नहीं है लेकिन आज की कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में और असम में इस कगार पर पहुंची है कि सत्ता के लिए वो किसी को भी साथ में लेने को तैयार है सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है सत्ता के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है और इसलिए अब यह खुला हो गया कि ये पार्टी ए जैसी पार्टी के साथ जा रही है और दोस्तों अब यह कांग्रेस पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी पीछे बैठी है सामने में बद्रुद्दीन की पार्टी है ए सामने बैठी है और पीछे कांग्रेस बैठी है ये चेहरा अब हम सबके सामने उजागर हो गया और मैं ये मानता हूं इसीलिए आसाम का ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है पिछले पांच वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर मोदी जी और असम के अंदर सर्बानंदा के नेतृत्व में हमारे हेमंतोदा के नेतृत्व में एक विकास की नई पहल हमने की विकास की एक नई गाथा लिखी विकास के नए रास्ते पर हम चले और समाज के हर व्यक्ति के उत्थान का काम हमने किया। देखिए इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी नाम का एक ऐसा सपूत इस देश का नेतृत्व कर रहा है जो केवल गरीबों की सोचता है जो केवल गरीबों के लिए जीता है जो केवल गरीबों के लिए काम करता है और हमने देखा पिछले छह सात सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में आई गरीबों को घर मिले गरीबों को टॉयलेट मिले गरीबों को गैस मिले गरीबों को अनाज मिले गरीबों को शिक्षा मिले गरीबों को रोजगार मिले गरीबों को स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले इसके जितने कार्यक्रम मोदी जी ने तैयार किए और मैं साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री सर्वानंदा का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस असम के अंदर उन्होंने हर व्यक्ति का विचार किया गरीब से गरीब का विचार किया हमारे युवाओं का विचार किया आज हमारे विद्यार्थियों का विचार किया फिर उनको किताबें मुफ्त देने की बात हो हमारी छोटी छोटी बच्चों को स्कूटी देने की बात हो उनके फीस की बात हो कोरोना काल में उनको मदद करने की बात हो या फिर हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले इसलिए योजना तैयार करके दो लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर कौशल देकर उसके माध्यम से पचास हजार रूपए का उनको मदद करके अपने पैरों पर खड़ा करने का काम हमारे सर्वानंद सोनोवाल जी ने यहाँ पर किया और एक मजबूत असम जिस असम का युवा ये खाली नहीं होगा उसके हाथ को काम मिलेगा इस प्रकार का विचार इस असम में उन्होंने लाया और अब तो असम के अंदर यहां पर एक यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास के लिए क्योंकि आने वाले दिनों में हाथों को अगर रोजगार चाहिए तो कौशल सीखना होगा और कौशल अगर नहीं सीखेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा इस बात को समझते हुए असम के अंदर एक देश की बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी कौशल विकास की यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी तैयार होने जा रही है और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हर हमारा लड़का उसके हाथ को काम मिलेगा स्किल यूनिवर्सिटी की खासियत यह है आज तो यूनिवर्सिटी से कई लोग पढ़कर निकलते हैं कुछ रोजगार पाते हैं कुछ को नौकरियां नहीं मिलती कुछ बेरोजगार रह जाते हैं लेकिन स्किल यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकला हुआ एक एक हमारा जो नौजवान है हमारा एक एक बेटा और बेटी है हर एक के हाथ को काम मिलेगा हर एक को रोजगार मिलेगा कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा सारे के सारे अपने परिवार के लिए पैसा कमाएंगे ये काम इस असम के अंदर अगर किसी ने किया है तो हमारे सर्वानंदा की सरकार ने इस असम में करके दिखाया है इस असम से इतने बड़े बड़े नेता देश के अंदर गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वो भी तो असम से चुनकर जाते थे मनमोहन सिंह जी अच्छे आदमी है है भले व्यक्ति है। लेकिन उनको कोई अधिकार भी नहीं था उस समय तो सारा सोनिया जी चलाती थी इसलिए असम के लिए कुछ नहीं कर पाए देश के प्रधानमंत्री बने पर एक मेडिकल कॉलेज असम को नहीं मिला एक एम्स असम को नहीं मिला अरे असम को एम्स मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा और मोदी जी ने आज एम्स भी दिया और नौ मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहे हैं हमारे भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हमारे नलबारी में तैयार हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार हो रहा है आज पॉलिटेक्निक हो बीएड हो सब तरह की शिक्षा हमारे युवाओं को देने का काम आज यहाँ पर हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है आज आप देखिए जिस प्रकार से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हम तक पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार और प्रदेश की भाजपा की सरकार कर रही है मोदी जी ने हम सभी के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाई और इस योजना के माध्यम से पांच लाख तक का इलाज मुफ्त में देने का निर्णय लिया आज गरीब को मरना नहीं पड़ता एक समय ऐसा था कि गरीब को अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए और उस बीमारी का इलाज करने वो शहर में पहुंच जाए तो उसको पता चलता था एक लाख रुपया दो लाख रुपया तीन लाख रुपया ऑपरेशन के लिए लगता है वो तो गरीब सोचता था एक लाख रुपया दो लाख रुपया मैं कहा से लाऊ इससे अच्छा यह है ये पैसा मैं मेरे घर के लिए बचाऊ और मैं मर जाऊ मैं निकल जाऊ मैं गुजर जाऊं इस प्रकार की बात उसके मन में आती थी मोदी जी ने कहा नहीं मैं किसी को मरने नहीं दूंगा मैं किसी को भी बीमार पड़ने नहीं दूंगा जो बीमार पड़ेगा उसको इलाज मिलेगा इलाज पाना ये सबका जन्म अधिकार है और ये कहते हुए आदरणीय मोदी जी ने ये जो योजना लाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों का इलाज मुफ्त में हो रहा है करोड़ों करोड़ों लोगों को ऑपरेशन आज मुफ्त में हो रहे हैं। एक नया पैसा उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती एक गरीब को क्या चाहिए अगर उसको इलाज मिल जाए अगर उसको भोजन मिल जाए अगर उसको रोजगार मिल जाए अगर उसको घर मिल जाए और मैं सर्वानंदा का अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दस लाख परिवारों को यहाँ पर घर देने का काम उनको अपना मकान देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है मैं पूछना चाहता हूं पंद्रह साल तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी क्यों गरीबों को घर नहीं मिला अरे तुम्हारे मकान तो बड़े बड़े हो गए तुम्हारे मकान तो महलों से भी बड़े हो गए लेकिन गरीब का झोपड़ा झोपड़ा रहा अरे गरीब के झोपड़े को पक्के घर में परिवर्तित करने के लिए मोदी जी और सोनवाल जी को आना पड़ा और आज दस लाख लोगों को घर मिला है और मैं दावे से कहता हूं ये पांच साल की फिर सरकार आपके आशीर्वाद से चुनकर आएगी इस असम के अंदर एक भी व्यक्ति बेघर नहीं होगा असम के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो झोपड़ों में रहता है और इतना ही नहीं है तो इस असम के अंदर लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने सोनोवाल जी की सरकार ने किया तीन लाख लोगों को उनके जमीन की मालकी दी पट्टा दिया उनके जमीन के मालक उनको बनाया इससे पहले विचार कभी आया नहीं था लेकिन गरीबों को हक मिलना चाहिए वो जमीन उनकी है उस जमीन का उनको पट्टा मिलना चाहिए कागज मिलना चाहिए इस बात के लिए कानून मोदी जी ने बनाया और उस कानून के तहत हमारे सोनोवाल जी ने गरीबों तक पट्टा पहुंचाया आज देखिए जिस प्रकार से काम हो रहा है असम के अंदर रास्तों का काम छब्बीस हजार किलोमीटर के रास्ते आज असम के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बने हैं और इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे मोदी जी के नेतृत्व में बन रहे ब्रह्मपुत्रा पर इतने बड़े बड़े पुलिया बन रहे एक प्रकार से 21वीं शताब्दी का राज्य आज मोदी जी के सोनोवाल जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है और इसलिए ये जो विकास की गाथा अब शुरू हुई है ये जो विकास की गाथा अब चालू हुई है इस विकास की गाथा को समृद्धि की ओर ले जाना है और असम को भारत का एक मजबूत राज्य असम को भारत का एक समृद्ध राज्य बनाना है और उसके साथ साथ भारत की सीमाओं को भी मजबूत करना है आज हमने देखा बांग्लादेश की सीमा पर हम लोगों ने लोगों को जिस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की घुसपैठियों को रोकने का काम किया इसराइल की तकनीक आई जिस तकनीक से सीमाओं को सील किया थोड़ी सी सीमा बची है वो भी सील हो जाएगी इसके बाद एक भी व्यक्ति अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में और असम में नहीं आ पाएगा कोई भी हमारा रोजगार नहीं छीन पाएगा ये काम आज हमारी सरकार कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में देखिए जिस प्रकार से कोरोना के काल में भारत ने दुनिया में नाम किया दुनिया के सामने कोरोना की बीमारी आई इस बीमारी में करोड़ों करोड़ों लोग मर गए लोग कहते थे कोरोना से पहले सबसे ज्यादा लोग भारत में मरेंगे क्योंकि यहां पर जनसंख्या ज्यादा है लोग थोड़े गरीब हैं, यहां पर सबसे ज्यादा लोग मरेंगे पर मोदी जी ने इस प्रकार से कार्रवाई की इस देश को ऐसी दिशा दी कि अब अमेरिका भी अपने दांतों तले उंगली चबा रहा है रशिया भी पूछता है जापान भी पूछता है जर्मनी भी पूछता है फ्रांस भी पूछता है ऑस्ट्रेलिया भी पूछता है ये मोदी जी ने क्या जादू कर दिया कितने बड़े देश में कोरोना तो हुआ लेकिन लोगों को मरने से मोदी जी ने बचा लिया और इतना ही नहीं तो दुनिया में केवल तीन या चार देश कोरोना पर टीका बना पाए इंजेक्शन बना पाए कोरोना को रोकने के लिए अमेरिका ने बनाया रशिया ने बनाया चीन ने बनाया और चौथा देश अगर कोई था तो मेरा भारत देश था और सबसे पहले कोरोना का टीका मेरे भारत देश ने बनाया और अब हमारे सारे भारतीयों को मोदी जी के नेतृत्व में मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जा रहा है एक भी मेरा भारतीय इसके बाद टीकाकरण होगा और टीकाकरण के बाद कोरोना की बीमारी से बीमार नहीं होगा और सारे के सारे स्वास्थ्य हो और इतना ही नहीं तो दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ओर देखने लगे कहने लगे जी हमको भी टीका दो हमको भी इंजेक्शन दो दुनिया के सौ से ज्यादा देशों को कोरोना का टीका भारत ने दिया अब दुनिया में भारत छोटा देश नहीं रहा मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का एक ऐसा देश बना है कि जिस देश को दुनिया उसका लोहा मानती है और दुनिया ये मानती है कि अब दुनिया को अगर कोई राह दिखा सकता है तो केवल और रूस नहीं है दुनिया को राह दिखाने की ताकत ये भारत में है भारत के संस्कारों में है भारत की संस्कृति में है और इसलिए ये जो हमारी विजय की गाथा है इसको आगे ले जाना है असम में विकास की गाथा को आगे ले जाना है असम के जन जन के जीवन में परिवर्तन लाना है परिवर्तन की बेला शुरू हो चुकी है विकास की राह पर रथ निकल चुका है अब ये रथ रुक ना पाए अब ये तेजी से आगे बढ़े इसी के लिए फिर एक बार हम आपके सामने आए हैं जयंत माला जी जैसे एक बड़े ही होनहार जिनको बड़ा अनुभव है जिन्होंने अच्छा काम किया है इससे पहले ऐसे एक हमारे उम्मीदवार है इससे पहले भाई अशोक जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति देखिए कि हमारे विधायक जो एमएलए हैं वो भी इस मंच पर बैठे हैं जो होने वाले एमएलए हैं वो भी इस मंच पर बैठे हैं और सब लोग साथ में मिलकर मां भारती की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं होती हम तो मां भारती के सेवक हैं आसाम के सेवक हैं और सेवक के रूप में काम करने के लिए आप सभी के बीच आए हैं मेरा विश्वास है पिछले समय भाई अशोक शर्मा जी को एक लाख वोट आपने दिए थे इस बार एक लाख वोट से नहीं चलेगा पांच साल का काम आपने देखा है पांच साल की भाजपा की सरकार आपने देखी है हमारे सर्वानंद सोनोवाल जी हेमंतोदा का काम आपने देखा है देश में मोदी जी का काम आपने देखा है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अब कम से कम सवा लाख वोट यहां से जयंता मलाजी को दीजिए और मैं तो आपको कहना चाहता हूँ भैया नलबारी के लोगों को तो एक ऐसा अवसर है कि पूरे आसम में सबसे ज्यादा वोटों से यह सीट को हम चुनकर ला सकते हैं यह आपकी ताकत है यह आप में हिम्मत है यह आप में क्षमता है अपनी क्षमता को पूरी ताकत के साथ संजोए और सामने आए और इस प्रकार से वोटिंग करें हम लोग जब कमल की बटन दबाएंगे तो केवल जयंता जी नहीं चुन आएंगे कमल की बटन दबाने के साथ राष्ट्रवादी ताकतें चुनकर आएगी मोदी जी को ताकत मिलेगी सर्वानंद दा को ताकत मिलेगी हेमंता दा को ताकत मिलेगी और इस देश को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी का यानी आप सभी का राज फिर एक बार यहाँ पर स्थापित होगा उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहे यही प्रार्थना करता हो और अपने शब्दों को विराम देता हो जय हिंद जय भारत जय आसाम